रोहन हाउस में फिर एक बार पार्टी का माहौल है, गेस्ट वगैरह आए हुए हैं। यहाँ पे नैना और करण का अलग सा थोड़ा सा कुछ बातें हो रही है, तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली? क्योंकि करण की परफॉर्मेंस है निर्मला के साथ, और ऑल्सो दिस परफॉर्मेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये नैना का लास्ट डे होगा अगर करण अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए। मतलब उसकी सारा उसने कितना इम्प्रूव किया अपने आप में, अपने कॉन्फिडेंस में, वो इस परफॉर्मेंस से पता चलेगा। और नैना नोटिस करिए करण थोड़ा नर्वस लग रहे हैं, तो बस इनक्रेज करने जाती है बहुत ही यू नो हैप्पी वे में। तो कितने चांसेस है कि नैना को घर छोड़ के जाना पड़ जाए? लेट्स सी, आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस। अगर करण आज तक जितने भी परफॉर्मेंसेज हुए हैं, करण आया तो है कॉन्फिडेंस से आगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, कोई ना कोई कर देता है। आई एम जस्ट होपिंग वैसा कुछ नहीं हो और नैना रह पाए इस घर में। ओके, यहाँ पे लास्ट पूतीश की पूजा का दिन है शायद, तो पूरा लुक अलग है, तो उसके बारे में बता दीजिए कुछ। जी हाँ, इस बार फॉर अ चेंज एक्चुअली मैं खुद हैरान हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। और जूड़ा है, गजरा है उसमें, तो चौहान फैमिली के लिए बहुत ही डिफरेंट लुक है बिकॉज दे हेल फ्रॉम राजस्थान, एंड आई थिंक बहुत ही राजस्थानी हो गया था, तो फॉर अ चेंज दे ट्राई डिफरेंट लुक, सभी साथ में इसी लुक में, तो अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। आपके ब्लाउज के बारे में हम करेंगे, ताजमहल बना हुआ है शायद आपके ब्लाउज के। जी, तो ये डिज़ाइन एंड ऑल कैसा, आइडिया किसका था? ये सब लोग मुझे ऑब्वियसली हमारी स्टाइलिस्ट का था, लेकिन सब लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं वहाँ ताज वहाँ ताज कहकर। मैंने बहुत देर बाद नोटिस किया एक्चुअली वो कि ताजमहल आई थिंक ब्यूटीफुल है, डिटेल्ड ब्लाउज है। एंड लास्टली, वैसे बारिश का मौसम है, काफ़ी हरियाली सही, और फोटो शूट मतलब आपका चल रहा था, तो अंकिता कितना एंजॉय कर रही है इस चीज़ को? मुझे तो बारिश बहुत पसंद है क्योंकि मैं चंडीगढ़ से हूँ, तो मुझे इतनी आदत नहीं थी कि इतना बड़ा भी मानसून हो सकता है। आई थिंक मुंबई मानसून इज़ स्पेशल इन इट्स ओन वे, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक भी हो जाता है कभी कभी जब ट्रैफिक में फंसते हैं और यू नो पानी वानी इकट्ठा हो जाता है, बट आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल कि कितना लंबा यहाँ पे मॉनसून चलता है और रेगुलरली बारिश होता है लंबे लंबे इंटरवल्स के लिए। आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल, आई तो लव रेन, आई थिंक इट्स द मोस्ट रोमांटिक थिंग। और अभी तो शूट ही करते हैं, पर उसके साथ मज़ा आता है जब वेदर इतना ब्यूटिफुल हो बाहर। कैसी बात बोल दी अभी, सब बोल दी। आई थिंक यही कहना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, एंड हर बार यही बोलती हूँ, बट आई थिंक हर बार जो बोलती हूँ रिपीट करती हूँ वो बढ़ता ही रहता है क्योंकि आपका प्यार बढ़ते जा रहा है, एंड हम पे और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है टू यू नो परफॉर्म इवन बेटर। थैंक यू फॉर ऑल द लव, थैंक यू फॉर ऑल द लव दैट यू शेयर ऑन मी एज नैना, ऑन एक श्रृंगार स्वाभिमान एंड नैना करण। सो कीप लविंग अस, वी विल कीप एंटरटेनिंग यू।